नागरिकता कानून के बाद मोदी सरकार के एजेंडे पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, कैबिनेट की बैठक जारी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में होगा ऐसे लोगों का लिखा जोखा जो किसी इलाके में 6 महीने से रह रहे हों। हर नागरिक के लिए रजिस्टर में नाम दर्ज कराना होगा अनिवार्य। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में फिर से राज्यपाल का विरोध, छात्रों ने दिखाए काले झंडे, काफिले को रोका। छात्रों के बीच फंस गए राज्यपाल धनखड़, कहा नहीं दिख रखा कानून का राज, स्थिति चिंताजनक। रूल ऑफ लॉ इज कोलैप्सिंग, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इज डूइंग नथिंग एट ऑल, द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग नथिंग एट ऑल। मैंगलोर में CAA के खिलाफ हिंसा का CCTV फुटेज, तस्वीरों में पथराव करते दिखे प्रदर्शनकारी। घरों और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, कई सड़कों पर आगजनी। CAA के खिलाफ हिंसक का प्रदर्शन में कंगना, प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर निशाना साधा। What gives you the right to burn buses and trains and to create ruckus in the country? That should be looked into, क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती। दिल्ली के दरियागंज में CAA के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वालों की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस, 28 को सुनवाई। दिल्ली के CAA के प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से रिकवरी की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में BJP लीगल सेल के सदस्य ने अर्जी दाखिल की। लखनऊ में स्थिति सामान्य हो रही है, इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने 82 लोगों को भेजा नोटिस, प्रदर्शन के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए। फोटो वीडियो में पहचान के बाद जिम्मेदार लोगों की हुई पहचान, जवाब के लिए 1 महीने का समय। जवाब न देने पर वसूलेगा जिला प्रशासन, संपत्ति होगी कुर्क। जबरदस्त ठंड से ठिठुरी दिल्ली, 5.7 डिग्री तापमान। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। पर्यटकों ने उठाया आनंद, स्कीइंग करते दिखे पर्यटक। उत्तरकाशी में बर्फ ही बर्फ, पर्यटकों की बढ़ गई मुश्किलें। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी, सफर में परेशानी, रास्ता बंद। कुल्लू में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, लंबा लंबा जाम, गाड़ियां जहां वहां फंसी। घाटी में तापमान गिरा, श्रीनगर में जम गई है डल झील। उत्तराखंड के टिहरी में बर्फबारी से पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं मकान, नदी नाले जमे। चमोली में स्कूलों की छुट्टी, खुशी में नाचते दिखे बच्चे। पहाड़ों पर बर्फबारी का चंडीगढ़ में असर, तापमान जबरदस्त गिरा। 27 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। कांग्रेस को मिल सकते हैं 5 मंत्रिपद और स्पीकर की गद्दी, RJD से 1, JMM से होंगे 6 मंत्री। JMM की झोली में 47 सीटें, BJP 25 पर सिमटी। जीत के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में नया अध्याय शुरू। परिणाम के बाद साइकिल की सवारी करते दिखे हेमंत, परिवार के साथ बांटी खुशी। रघुवर दास नहीं बचा पाए अपनी सीट, हार के लिए जिम्मेदारी। रघुवर दास ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, सौंपा इस्तीफा। झारखंड परिणाम के बाद PM ने हेमंत सोरेन को दी बधाई। अमित शाह ने झारखंड के लोगों के फैसले का किया स्वागत। झारखंड चुनाव में भी आज तक का जलवा, एक बार फिर से सटीक सिद्ध हुआ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का सर्वे। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली में आज फिर प्रदर्शन की तैयारी। मंडी हाउस से शुरू होगा मार्च, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाने की अपील। BJP की तरफ से समर्थन में मार्च, अहमदाबाद में मुख्यमंत्री निकालेंगे रैली। आंध्र में लागू नहीं होगा NRC, मुख्यमंत्री जगनमोहन ने दी ये दलील। झारखंड जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद, नागरिकता कानून के विरोध में राजघाट पर सत्याग्रह। उन्नाव में साक्षी महाराज का बयान, देश में 4 औरतें 40 बच्चे नहीं चलेंगे। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल जीतने वाली छात्रा राहिबा का आरोप, हिजाब की वजह से बाहर निकाल दिया गया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति, राहिबा ने कहा मुझे हिजाब हटाने के लिए कहा। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे PM मोदी कल।
तमिलनाडु में AIADMK के नेता के घर से 1000 शराब की बोतलें 38 लाख रुपए बरामद। दिल्ली के नरलिया में जूते की फैक्ट्री में आग, जबरदस्त नुकसान। आग की वजह से सिलेंडर फटा, 3 दमकल कर्मचारी घायल। मुंबई में नाबालिग छात्रा पर एसिड से हमला, छात्रा की पुरानी टीचर पर आरोप। अलवर में 15,000 रुपए नहीं लौटाने पर दबंग ने 1.5 साल के बच्चे का किया अपहरण। जबलपुर में जमीन विवाद में 18 साल की लड़की को जिंदा जलाया गया।